Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की क्रोएशियन डच फिल्म क्विट स्टेरिंग एट माई प्लेट के बारे में। ये कहानी है 24 साल की मारियाना की, जो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो एक जेल से कम नहीं और जानती है कि वो एक बेहतर जिंदगी जीने की हकदार है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मारियाना को, जो एक ऐसे परिवार में रहती है जहां उसकी अपनी कोई प्रिवेसी नहीं है और ना ही उसकी माँ उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। अपने घर में सिर्फ मारियाना और उसके पिता कमाते हैं और अपने परिवार को संभालने के लिए मारियाना एक हॉस्पिटल के लैब में नौकरी करती है, जहां जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं और वो ना तो अपने घर वालों से और ना ही अपनी जिंदगी से खुश है। एक तरह से वो अपने परिवार में फंस चुकी है और इस परिवार से बाहर उसकी कोई जिंदगी नहीं बची है। एक रात वो देखती है कि कुछ लड़के एक बाइक खरीद कर लाए हैं और उसके भाई जोरान से बाइक चलाने के लिए कह रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग जोरान का मजाक बना रहे हैं। मारियाना जोरान को उन लोगों से दूर रखने की कोशिश करती है और तब उनके पिता वहां आते हैं, जो गुस्से में उन दोनों को घर ले जाते हैं। पर घर आने पर सिर्फ मारियाना को उसकी गलती के लिए डांटा जाता है, ये कहकर कि उसे लड़कों के आसपास नहीं घूमना चाहिए। उसे उसके माता पिता इतना दबा कर रखते हैं कि वो अपने मन की कोई चीज नहीं कर सकती और ना ही घर में मुस्कुरा सकती है। जोरान पैसे कमाना चाहता है पर नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से वो बीमार है। और जब यही बात वो अपने पिता से कहता है तो वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं और अपने पिता की कही बातें मारियाना सुन नहीं पाती और पलटकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। उसकी इस बात को बदतमीजी का नाम देकर उसे उसके पिता मारने लगते हैं। अगली सुबह जब मारियाना के पिता के बाहर जाने के बाद वो काम के लिए निकल रही थी तो अचानक जोरान के चिल्लाने की आवाज आई और तब उन्हें पता चला कि उनके पिता हार्ट अटैक आने से बेहोश हो गए हैं। एक तरफ इस बात से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो दूसरी तरफ रोते हुए जोरान को मारियाना संभाल रही थी और तब उन्हें पता चला कि स्ट्रोक की वजह से मारियाना के पिता कोमा में चले गए हैं। इस सब की वजह से सारी जिम्मेदारियां अब मारियाना पर आ गई है और अपने पिता को भी वही संभालने लगी है। मारियाना की माँ अपने पति के पास सोने से भी इनकार करने लगी और मारियाना पहले से भी ज्यादा दबाव में आने लगी। अपने काम से लेकर अपने पिता के डायपर्स चेंज करने तक का सारा काम उसी को करना पड़ रहा था और ना तो उसकी माँ और ना ही जोरान उसकी मदद कर रहे थे। एक दिन मारियाना की माँ उससे कहती है कि वो लोग बीच पर जा रहे हैं, जहाँ वो आज से पहले कभी नहीं गई, और उसके पिता को संभालने उन्होंने किसी और को बुलाया है। उस दिन पहली बार मारियाना आजादी से कहीं बाहर गई, पर आसपास देखने पर उसे लगा कि दूसरों की जिंदगी उसकी जिंदगी से काफी ज्यादा बेहतर है। घर वापस आने पर उन्हें पता चला कि जिस औरत को उसके पिता की देखभाल के लिए बुलाया था वो औरत आई ही नहीं, और ये सोचकर कि मारियाना ने पूरे दिन अपने पिता को अकेला छोड़ा, वो परेशान होने लगती है। जोरान हर रोज अपने पिता और मारियाना के लिए घर से खाना लाया करता था, पर एक दिन वो खुद सारा खाना खा गया और मारियाना को उसने कुछ नहीं दिया। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि जोरान कुछ बच्चों को लेकर उसके पिता को छेड़ रहा है और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने भाई के बदले तेवर को देखकर मारियाना उसे पीटने लगी, पर इस बात के लिए भी उनकी माँ और वहाँ रहने वाले लोगों ने मारियाना को ही बुरा भला कहा। रात को मारियाना से कहा गया कि वो कम पैसे कमाती है, जिसके जवाब में उसने कहा कि उन्हें भी काम करना चाहिए, और जोरान जो खुद कुछ काम नहीं करता मारियाना से कहने लगा कि उसे दूसरों के घर की साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे घर में और ज्यादा पैसे आ सके। उनके बर्ताव से परेशान होकर मारियाना ने खुद कुछ करने का फैसला किया और अपनी दोस्त से कहकर उसने एक घर की साफ सफाई का काम करना शुरू किया, पर इस काम के बारे में उसने घर पर किसी को नहीं बताया ताकि वो खुद के लिए कुछ पैसे कमा सके। काम होने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट गए, जहां वो एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। मारियाना को तब समझ आया कि उसके कोई दोस्त ही नहीं जिनके साथ वो वक्त बिताती हो, और वो अपने परिवार में हमेशा इतनी फंसी हुई थी कि घर के बाहर की जिंदगी वो कभी जी ही नहीं पाई। वो पूरी तरह अकेली है, जहां उसके पास ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई प्यार। और तब वो अपनी उसी दोस्त एंजेला के साथ दोस्ती बढ़ाने लगी,
और फिर मारियाना को एक पार्टी में भी बुलाया गया। पर ये बातें जानने पर उसकी माँ उसे कहने लगी कि उसे घर में ही रहना चाहिए और अपने पिता के बीमार होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मारियाना अब और दबकर नहीं रहने वाली थी और अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, जो वो आज तक कभी नहीं कर पाई। पर कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताने के बाद मारियाना वहाँ से चली गई और किसी बात से परेशान होकर अकेले रास्ते पर घूमने लगी। रास्ते में कुछ लड़के वहाँ गाड़ी लेकर आए। वो लोग मारियाना को अपने साथ ले जाना चाहते थे और बिना कुछ सोचे मारियाना उनके साथ चली गई। वो सिर्फ एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसे शांति मिले, और जहाँ वो लोग उसे ले जा रहे थे वो वहाँ जाने को तैयार थी। उन लड़कों के साथ रात बिताकर वो वापस घर आई। पर उस रात के बाद मारियाना से उसकी माँ और उसका भाई कहने लगे कि उसे एंजेला के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एंजेला उसे बिगाड़ रही है। पर मारियाना ने उनकी एक नहीं सुनी, और ना ही उसने एंजेला की सुनी जो उसे उन आदमियों से दूर रहने के लिए कह रही थी जो उन दोनों से उम्र में काफी बड़े थे। मारियाना की इस हरकत से नाराज होकर एंजेला गुस्से में वहां से निकलने लगी, और उस दिन के बाद उसने मारियाना से अपनी दोस्ती तोड़ दी। इन सारी चीजों के चलते मारियाना का ध्यान काम से हटने लगा और गलती से उससे यूरिन टेस्ट की बोतल गिर गई, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस बात को टालकर जब मारियाना घर वापस जाने लगी तो उसने अपनी माँ से कहा कि वो उन्हें आइसक्रीम खिलाएगी, और आइसक्रीम खाते वक्त वहाँ एंजेला आई। एंजेला अब मारियाना से बात नहीं करती, पर ये सोचकर कि एंजेला उन्हें देखकर अनदेखा कर रही है, मारियाना की माँ उसे बुरा भला कहने लगी। और तब एंजेला ने उन्हें बार में हुई बातें बता दी और मारियाना की सच्चाई बता दी, और ये बातें जानकर मारियाना की माँ और भाई उसे घर पर पीटने लगे, जिसके बाद वो घर से भाग निकली। दिन भर शहर में भटकने के बाद रात को वो छिपकर उस घर में घुसी जहाँ वो एंजेला के साथ काम करती थी, और उसने वही रात बिताई, जिसके बाद वो अपने काम पर चली गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसे बताया गया कि यूरिन टेस्ट की गलती की वजह से उसके साथ काम करने वाली एक लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया है, और कई लोगों को निकाला जा सकता है, और उससे कहा गया कि उसे काम पर ध्यान देना होगा वरना उसे भी निकाला जा सकता है। वो अपने घर से दूर रहने लगी, और एक दिन उसे दो स्टूडेंट्स मिले जिन्हें यकीन नहीं हुआ कि मारियाना 24 साल की होने के बावजूद इस शहर से बाहर कभी नहीं निकली है। इस बात से मारियाना को भी दुख हुआ और वो वहाँ से चली गई। मारियाना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी और ना ही वो अपने घर से कुछ लेकर आई थी, इसीलिए कई हफ्तों तक घर से बाहर रहने के बाद अपने घर जाकर वो कुछ कपड़े और पैसे लेकर निकलने लगती है। अपनी बेटी की हालत देखकर मारियाना की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मारियाना रुकती नहीं और वो उस जगह जाने के लिए बस में बैठती है जिस जगह के बारे में एंजेला ने उसे बताया था। उसने बताया था कि उस जगह पर मारियाना को एक अच्छी नौकरी मिल सकती है और वो आजादी से जी सकती है। पर सफर के बीच अचानक उसे कोई बात परेशान करने लगी और वो बीच रास्ते में ही बस से उतर गई। मारियाना आजाद होना चाहती थी, और आजाद होने की चाह में उसने अपनी निराशा को हर वक्त गलत तरीके से और गलत जगह पर निकाला, और आजादी को ढूंढने जब वो शहर से बाहर जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो ये नहीं जानती कि वहां से निकलना सही है या नहीं। वो परिवार और वो शहर जो पूरी जिंदगी उसके लिए एक जेल की तरह थे, उनसे आजाद होकर वो अगर बाहरी दुनिया में जाए तो शायद वो दुनिया भी उसके लिए जेल की तरह हो। इसी सोच ने उसे बाहर जाने से रोक लिया। अंत में उसके पिता ठीक होने लगते हैं, और चाहे अपनी जिंदगी से मारियाना खुश ना हो, वो अपनी जिम्मेदारियों से और उस शहर से दूर जाकर आजाद नहीं हो पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।